हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हम लोगों के साथ घटी डरावनी घटनाओं को कहानी के रूप में सुनाते हैं। आज की कहानी की बात करें तो ये कहानी कमल जी की है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं एक महीने बाद दिल्ली अपने शहर अपने घर लौटा था। मैं अपने ऑफिस के काम से एक महीने के लिए मुंबई गया हुआ था। घर आने के बाद घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने अपने काम करने वाली दीदी को फ़ोन किया और बताया कि दीदी मैं आ गया हूँ। और दीदी थोड़ी देर बाद आई, घर में थोड़ा ठीक ठाक किया, मैंने नहाया धोया और चेंज किया। दीदी ने तब तक मेरे लिए खाना बना दिया था। अब मैं खाना खाते खाते अपने नाम पर आए कुरियर्स को चेक करने लगा था। उनमें से एक कुरियर मुझे पंजाब से आया था। मैंने सब कुछ छोड़कर सबसे पहले उस कुरियर को खोला, क्योंकि पंजाब से मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड ही कुरियर कर सकता था। उसके अलावा पंजाब में ना तो मेरे ऑफिस से कोई काम था और ना ही मैं किसी को जानता था। मैंने देखा कि उसमें मेरे फ्रेंड मंजीत की शादी का कार्ड है। एक हफ्ते में उसकी शादी है। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने शादी में जाने का मन बना लिया, साथ ही अपने फ्रेंड को सरप्राइज़ देने का भी सोचा। इसलिए एक दिन बाद की टिकट बुक कर ली और ऑफिस से छुट्टी की लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक महीने के बाद लौटने की वजह से मुझे 10 दिन की छुट्टी मिली हुई थी। मैंने पैकिंग शुरू कर दी थी। मैं अपने दोस्त के गांव पहले भी गया हुआ था, इसलिए मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं थी और मुझे मेरे दोस्त को कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगले ही दिन शाम 4 बजे मैंने दिल्ली रेलवे स्टेशन से पंजाब जाने वाली ट्रेन पकड़ी और कुछ 11 घंटों के सफ़र के बाद मैं पंजाब के एक स्टेशन पहुंचा। वैसे मुझे यहां पहुंचने में 9 से 10 घंटे लगने थे, पर ट्रेन लेट होने की वजह से मुझे 11 घंटे लग गए और मैं पंजाब के स्टेशन में रात के 1 बजे पहुंचा। मुझे उससे आगे एक गाँव में जाना था, पर अब पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दोस्त का गांव बहुत बैकवर्ड एरिया में था। इसलिए मैंने इस स्टेशन में ही रुककर मॉर्निंग में आगे चलने की सोची। अपने दोस्त को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकता था, उससे मेरा सरप्राइज ख़राब हो जाता। मैंने स्टेशन में इधर उधर घूमकर वेटिंग रूम ढूंढने लगा। स्टेशन की बात करें तो बहुत अच्छी हालत में नहीं था, लोग भी बहुत इक्का दुक्का ही थे। चलते चलते मुझे वेटिंग रूम दिखा, मैं अंदर गया, सामान रखा और फ्रेश होने लगा। तभी मुझे बाहर से आवाज़ आई। मैं जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलकर देखा तो कुछ लोग वेटिंग रूम में रेस्ट के लिए आए थे, जिनमें से एक बूढ़ी औरत थी, दो एक कपल थे और शायद वो न्यूली मैरिड होंगे, और एक फैमिली थी जिसमें मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैं अकेले इस वेटिंग रूम में नहीं रहूँगा। शायद इन लोगों को भी मेरे ही दोस्त की शादी में जाना था, क्योंकि इस स्टेशन पर उसी गांव के लिए जाने वाले लोग उतरा करते थे। अब हम सब में बातें होने लगी। वो सब बहुत अच्छे थे। उन यंग कपल ने बताया कि उनकी लव मैरिज हुई है और उनके घर वाले इस शादी के लिए मान नहीं रहे थे, पर अब वो मान गए हैं तो वो अपने घर जा रहे हैं। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे के पास जा रही थी और वो फैमिली दिल्ली से अपना सब कुछ बेचकर अपने गांव जा रहे थे। हम सब में बातचीत ऐसे ही चलती रही और धीरे धीरे सबको नींद आ गई। कुछ ही देर हुई थी कि मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि वो बूढ़ी आंटी वेटिंग रूम में नहीं थी, सामान तो वहीं था, तो मुझे लगा शायद बाथरूम गई होंगी, पर वहाँ की लाइट्स तो बंद थी। मैंने उनकी एज के बारे में सोचकर बाहर जाकर देखना ठीक समझा। मैंने न्यूली कपल लड़के को उठाया और उस फैमिली में से फादर को उठाया ताकि हम उनको जल्दी ढूंढ लें। कुछ रात के 3 बजे होंगे, हम बाहर गए और अलग अलग दिशा में उनको ढूंढने लगे। कुछ ही दूरी पर वो आंटी मुझे खड़ी दिखी। मैं तेज़ी से उनकी तरफ जाने लगा और उनको आवाज़ देने लगा, पर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो पीछे मुड़ी और वो अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। उनको देखकर तो मेरी चीख ही निकल गई। उनकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरे पे जहाँ तहाँ कट के निशान लगे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा हो। और
उनके हाथ टूटे हुए थे। मैं चिल्लाता हुआ फिर से वेटिंग रूम की तरफ भागा। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने भी सोच लिया कि अब चाहे सड़क पर ही क्यों ना रहना पड़े, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। और मैंने अपना सारा सामान लिया और वेटिंग रूम से बाहर आया, तभी मैंने देखा कि वो फैमिली रेलवे ट्रैक के पास खड़ी है, जैसे कि किसी ट्रेन का वेट कर रही हो। तभी एक ट्रेन आई और जैसे ही ट्रेन पास आई, उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को उसके आगे धक्का दे दिया और खुद भी कूद गया। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मैं बिल्कुल जम गया, हिल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद पास जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना वो परिवार और ना ही वो ट्रेन। मैं दौड़ता हुआ स्टेशन के बाहर निकलने के गेट पर पहुँचा। मैंने देखा कि वो न्यूली कपल्स दौड़ते हुए आ रहे हैं, उनके पीछे कुछ लोग हथियार लेकर दौड़ रहे हैं। जैसे ही मैंने हटने की कोशिश की तो वो सभी लोग मुझसे आर पार होकर चले गए। जैसे तैसे मैं गेट के बाहर निकला, तभी मैंने अपने फ्रेंड मंजीत को कुछ लोगों के साथ दौड़ते हुए मेरे पास आते देखा। उन्होंने मुझे संभाला और फटाफट गाड़ी में बिठा कर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद जब मैं थोड़ा होश हवास में आया तो मैंने मंजीत से पूछा कि तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ, तुम कैसे मुझे यहाँ लेने आए। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैंने तुम्हारे घर पर कॉल किया था तो दीदी ने बताया कि तुम घर पर नहीं हो और पंजाब के लिए निकल गए हो, शाम 4 बजे की तुम्हारी ट्रेन है और जिस टाइम शायद तुम उतरे उसी टाइम स्टेशन से कुछ लोग मेरे घर भी आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक लड़का भी उतरा और जब हुलिया मैंने पूछा तो उन्होंने तुम्हारा ही हुलिया बताया। मैंने फटाफट फ़ोन निकाल कर तुम्हारी फ़ोटो उन्हें दिखाई, उन्होंने कहा हाँ यही तो वो लड़का है जो स्टेशन पर था और शायद वो वहीं रुकने का प्लान कर रहा है, इसीलिए मैं फटाफट वहाँ से तुम्हें लेने निकला और तुम मुझे इस हालत में मिले। अब मैंने थोड़ी चैन की सांस ली और उससे जो जो हुआ वो बताया। उसने कहा हाँ यार, यहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं या सुसाइड कहूँ तो इसलिए यहाँ ये सब दिखाई देता है। उसने बताया कि वो बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी लेकिन बेटे ने उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया और उसके पास कहीं ना जाने की जगह होने की वजह से उसने ट्रेन के आगे आकर सुसाइड कर लिया। और जिस फैमिली को तुमने देखा, वो फैमिली अपने शहर से अलौट कर गांव आई थी क्योंकि वहां उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था और गांव पर में भी जब कुछ नहीं चला तो उस फैमिली में फादर ने सबको मार कर खुद भी सुसाइड कर लिया। और वो जो कपल थे वो न्यूली मैरिड थे और उनके फैमिली वाले उनकी शादी के अगेंस्ट थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें ढूंढ कर मारने का प्लान किया और जब वो स्टेशन आए तो उनके परिवार वाले हथियार लेकर उनके पीछे पड़ गए। बचने के चक्कर में और धक्का मुक्की में कुछ लोग जो मारने आए थे वो भी ट्रेन के नीचे आ गए और ये न्यूली कपल को बचे हुए लोगों ने मार डाला। इस चक्कर में उनकी आत्मा भी यहीं रहती है। ये सब सुन के तो मैं सहम ही गया। उस रात मेरे फ्रेंड के घर पहुंचने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। मैं रात भर अपने दोस्त के साथ ही सोया और जब एक दो दिन बाद वहाँ से निकला तो भी उस मंजर को भूल नहीं पा रहा था। और आज भी जब भी मैं इस बात को याद करता हूँ तो उस रात की घटना देखकर और सोचकर मेरा दिल दहल जाता है। अच्छा तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिसको दबाने से हमारे चैनल पर आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप नई नई कहानियों का आनंद ले सकेंगे। थैंक यू।